एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में बेस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गुनगुना पानी और साथ में थोड़े से शहद के साथ। उसके बाद हमने कर लिया ब्रश। ब्रश करने के बाद हम योगा करेंगे। और आप लोगों का हो सकता है कि कमेंट्स आए कि आप बिना ब्रश किए सुबह का पानी पी लेती हो, तो हाँ, मैं बिना ब्रश किए सुबह का पानी पीती हूँ, क्योंकि जो सुबह के मूंग का लार्वा होता है वो पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इस वजह से सुबह में पहले एक गिलास हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। उसके बाद हमने योगा किया 25 से 30 मिनट। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को दे सुबह वाला टाइम जो होता है वो, और उसमें योगा और एक्सरसाइज हम इंक्लूड कर रहे हैं। अभी रूटीन में बहुत अच्छे से नहीं आई है चीजें। पहले मैं कंटिन्यू करती थी, बट बीच में तबीयत जब खराब हो गई थी उस टाइम पे मैंने ब्रेक कर दिया था एक्सरसाइज भी और योगा भी। बट मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे एलर्जिकल प्रॉब्लम है, छींक वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा आती है। तो सुबह के टाइम में योगा करते वक्त मुझे छींक वगैरह भी आती है, तो रुक रुक के थोड़ा सा टाइम ले के मैं योगा करती हूँ, ताकि मेरी तबीयत सही रहे, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। और उसके बाद हमने रात में बनाए थे पराठे, तो वही पराठे मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ, तो सुबह चाय और पराठे से नाश्ता हो जाता है। ऐसे जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता है वो बच जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम जाता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम अगर दूसरे काम में लग जाता है तो ऐसे लगता है कि आज का मेरा पूरा दिन बेकार चला गया, आज मैं ये नहीं सुबह पढ़ी, वो नहीं सुबह पढ़ी, मेरा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग वाली स्टडी हमारी अच्छे से हो जाए। तो 2 दिन पहले मैं आई दृष्टि लेके आई थी, तो वही मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। आरती की भी मेरी एक बार रीडिंग हो गई है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट रीडिंग में मेरा पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बुक हो। तो मैं वापस से उसको 2 टाइम्स और रीड करूंगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखी हैं। उसको भी मैं जब ब्लॉग कंटिन्यू हो जाएगा मेरा, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, कितने पॉइंट्स हमें याद करने हैं उसमें से। और अभी आई दृष्टि मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और आई दृष्टि में इस बार मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, यूट्यूब की भी हेल्प ले रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी रीडिंग हम कंप्लीट करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है कहा जा रहा है वैसे, क्योंकि शायद अध्यादेश वगैरह को मंजूरी मिल गई है। अगर ऐसा कुछ होता है, कानून बन जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। और कानून अगर बनता है तो हो सकता है सरकार का मूड है, चाहे तो टाइम से भी पेपर करा सकते हैं, चाहे तो एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं। क्या कुछ होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन दिसंबर मान के ही चलना है। तो अभी मैं अपना लंच बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं बाहर, तो मैं जल्दी से अपना लंच बना लेती हूँ। लंच के लिए मैंने दाल चढ़ा दी है, सिंपल, नमक और हल्दी डाल के। और अभी मैं थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें वही चावल तो खाने नहीं है, दाल रोटी जिंदगी बनी हुई है मेरी, तो दाल रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बहुत सालों बाद मैं बना रही हूँ दाल पीठी, जो कि मेरे घर में मेरे पप्पा को और मुझे बहुत पसंद है, बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं खाते हैं, बट हम बाप बेटी को बहुत पसंद है, और मेरे घर में बहुत सिंपल तरीके से बनता है। बट यहाँ मैं अकेली हूँ, तो मैं अपने टेस्ट बर्ड के हिसाब से बनाऊंगी, जैसे मुझे पसंद है। मैं थोड़ा मसालेदार खाना खाना पसंद करती हूँ, थोड़ा तड़के वाला खाना मुझे चाहिए, तो मैं उसी तरीके से बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो दाल अभी हमारी लगभग पक चुकी है, और यहाँ आटे का डो लगा लिया है मैंने, बना लिया है इसको, ऐसे ही बनता है मेरे घर में भी। तो सब हम दाल में ही ऐड कर देंगे, जब दाल आधी से ज़्यादा थोड़ी कुक हो जाती है, उसके बाद वापस से ये ढक्कन लगा देंगे और बिल्कुल ये अच्छे से उबल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो देसी पास्ते वाला फीलिंग आता है, मतलब मुझे ग्रेवी वाले खाने बहुत पसंद है, तो दाल की ग्रेवी हो गई, साथ में आपका आटा जो है वो उसमें बॉइल्ड हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम लगता है, और बहुत हेल्दी भी है और जल्दी भी बनता है। अब हम बना लेते हैं तड़का। तड़के में हम सिंपल घर पे जो तड़का लगता है वो सिर्फ लहसुन मिर्च और जीरे से तड़का लगता है, बट यहाँ पे मैं थोड़े से प्याज और टमाटर भी ऐड कर दूंगी। मैंने कहा शुरू में ही कि मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे ये ध्यान नहीं देना पड़ता है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनका हेल्थ वगैरह, मुझे टोटली फोकस्ड खुद पर रहता है। तो वैसे ही करके मैंने बना लिया, और ये बहुत बहुत सुपर यम बना है, इस साल की ठंड में बहुत बनने वाला है, क्योंकि चावल इस बार मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। तबीयत खराब होने से तो बेहतर है कि चावल ना ही खाया जाए, क्योंकि एग्जाम भी बहुत पास में है, और यहाँ पे स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हेल्दी रहते हो तभी जाकर के आप अच्छे से स्टडी भी कर पाओगे। अगर तबीयत ही आपका सही नहीं रहेगा तो स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो फाइनली मेरा लंच बन के रेडी हो गया, और अभी बहुत अच्छे से मैंने इंजॉय किया अपना लंच।
और हमारे यहाँ दाल पिठी बोली जाती है, बिहार में कुछ अलग नाम से इसको जाना जाता है, गुजरात में भी ये बनता है, वहाँ तड़के वगैरह थोड़े से डिफरेंट होते हैं, राई वगैरह वहाँ ज़्यादा यूज होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा इसमें शक्कर भी डाला जाता है या गुड़ जिनको पसंद है वो गुड़ ऐड करती हैं दाल में, क्योंकि वहाँ की तो दाल भी थोड़ी सी स्वीट नोट पर होती है। तो हर स्टेट में बनता है ये खाना, बट ये है कि अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अपने लोगों के यहाँ दाल पीठे और इसमें थोड़ा सा घी हम ऐड करेंगे, आप लोगों के यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम हो जाते हैं रेडी सेडी, क्योंकि लंच हमारा हो चुका है और आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं उससे मिलने जा रही हूँ। हमको लगता है लॉकडाउन के बाद मैं एक बार बस उससे मिली थी, उसके बाद मैं उससे नहीं मिली थी, तो थोड़ा सा तैयार श्यार होना तो बनता है ना। तो फाइनली मैं हो गई रेडी और अब निकल दिए हैं, बहुत तगड़ी धूप है बट कोई बात नहीं, फ्रेंड से मिलने की खुशी अलग ही होती है। और अभी पूरे इलाहाबाद को सजाया जा रहा है बिल्कुल दुल्हन की तरह, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है महाकुंभ। देन मैं अपने फ्रेंड से मिल के वापस आने के बाद मैंने बना लिया लंच, थोड़ी देर मैं रेस्ट की, उसके बाद मैंने बनाया डिनर अपना बनाया मैंने, और डिनर में कद्दू की सब्जी और पराठे बने थे जो कि मुझे बहुत पसंद है। कद्दू मैं चावल के साथ भी खा सकती हूँ, रोटी के साथ भी खा सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज ईजिली कुछ कुक कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स अब आ गई है ठंडी और ठंड का रिएक्शन दिखने लगा है चेहरे से ही, यानी कि ठंड मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। खैर ये सब तो मौसम है, बदलता रहेगा, बट हम लोग जब भी लाइव आते हैं, लाइव में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है, जो कमेंट्स होते हैं, वो होते हैं सुपर टेट से रिलेटेड। सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, पेपर कब तक होगा, सुपर टेट का सिलेबस चेंज होगा या पुराना वाला ही रहेगा, एकेडमिक हट गई है, एकेडमिक जोड़ी जाएगी, तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है आप लोगों को। कल मैं गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, कुछ काम था मुझे, मैं उधर से रिटर्न हो रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों का धरना चल रहा था कल। और धरने में दो चीज़ें हैं, एक तो पहला कि न्यू वैकेंसी के लिए भी बच्चे प्रयासरत हैं, और साथ ही साथ जो आपका फॉर्म फिल कराया गया है 2 साल पहले, उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जल्दी से जल्दी, आयोग कैलेंडर जारी करे, उस बात को लेके भी दबाव बनाया जा रहा है। और एस्पिरेंट अपने अपने तरीके से जाके अपनी बातें रख रहे हैं वहां पे, और रखना भी चाहिए। तो टाइम टाइम से आपने देखा होगा कि पीआरटी के लिए भी धरना चल रहा है, टाइम टाइम से जूनियर के लिए भी धरना चल रहा है, और टाइम टाइम से टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे भी अपनी बात रख रहे हैं। बट आयोग का सीधा सा कहना यह है कि हमारे पास कोई अध्याचन नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे टीजीटी पीजीटी वैकेंसी हो, जूनियर की वैकेंसी हो, या फिर पीआरटी की वैकेंसी हो। और एक तरफ से मुख्यमंत्री जी के बयान आप लोग सुनते होंगे कि सारे विभाग को अध्याचन भेज दिया गया है, जितनी भी वैकेंट सीटें उस पर भर्तियां कराई जाएंगी, रोजगार की कमी नहीं होगी अपने प्रदेश में। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतना विरोधाभास क्यों है सरकार के और आयोग के बयान में। जो आयोग से वार्तालाप होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो सरकार अपनी कहती है वो बिल्कुल अलग बात कहती है। तो पता नहीं कब तक ये लोग सेम पेज पे आएंगे, और जब तक आयोग के बयान जो है वो सरकार के बयान के साथ मैच खाता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक वैकेंसी के आसार दूर दूर तक नहीं है। तो अभी ये कितना लंबा इंतजार करना होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि रही बात आपके सिलेबस और एकेडमिक मेरिट को लेकर के, तो जब तक वैकेंसी नहीं आती है ये स्थिति क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आयोग जो है, आयोग का कोई भी सदस्य इस पे बयान देने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि अभी हम जो उसकी मतलब प्राथमिकता होती है कि वैकेंसी कैसे कराई जाती है, शिक्षा विभाग के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, इन सब को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चाहे आपका सिलेबस हो या फिर एकेडमिक मेरिट हो, ये सब बहुत बाद का प्रोसेस है, बाद में देखा जाएगा कि इसको क्या करना है। इसके लिए भी एक टीम गठित की जाएगी, वो टीम जो हम लोगों को सजेस्ट करेगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे कि इसमें एकेडमिक मेरिट रखना है नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें बहुत बाद का है, आयोग इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही है कि एकेडमिक मेरिट हट गई या फिर सिलेबस चेंज हो गया, ये चीज मुझे तो नहीं पता है। टाइमिंग वगैरह को लेके भी बीच में बातें आई थी कि टाइमिंग चेंज हो गया है, बट मुझे अभी तक इस पे कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अभी एज इट इज जो प्रीवियस टाइम में कराई गई थी वैकेंसी, सेम वही रूल्स है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। नोटिफिकेशन में ही उनका सारा पॉइंट्स क्लियर होगा कि हाँ वो कैसे वैकेंसी कराएंगे, उसमें क्या क्या योग्यता रखते हैं, किस तरीके से मेरिट बनाएंगे, क्या उनका सिलेबस होगा, सब कुछ उसी टाइम पे पता चलेगा। तो अभी हम लोगों को वेट करना होगा वैकेंसी का, और वैकेंसी के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है ताकि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि 6 साल बीत गए, अब पता नहीं और कितना लंबा इंतजार करना होगा। और हर कोई इतना लंबा इंतजार कर पाए ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी पूरी तरीके से रुकी हुई है एक वैकेंसी के चक्कर में।
फिर भी फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग सिर्फ टीचिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई अदर एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आप एमपीटेट में अप्लाई करो। आप अदर स्टेट में जहां एलिजिबल हो, जहां अलाउ है अदर स्टेट में, वैसे तो बहुत सारे स्टेट हैं जो बेसिक में नहीं लेते हैं अदर स्टेट के बच्चों को, लेकिन जहां भी अलाउ है वहां पे आप फॉर्म भरो। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर रहो आप, क्योंकि अभी इस टाइम हम लोगों की प्राथमिकता जो है वो है रोजगार। कहीं हम लोग एक बार लग जाएं, उसके बाद सेटल होते रहेंगे कि कहाँ सेटल होना है, कहाँ की वैकेंसी का वेट करना है, क्योंकि खाली बैठ के इंतज़ार करने से बेहतर है कुछ काम करते हुए इंतज़ार किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल गया है। फैमिली वाले हो या आपके आसपास के लोग हैं, कितना आप समझाओगे और वो कितना समझेंगे, ये आप सामने से फेस कर रहे हो, आपको पता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब इंतज़ार आप मत करो। अभी तक मैं कहती थी कि हाँ कर लो इंतज़ार, क्योंकि जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई थी उस टाइम पर एक होप जगी थी, बट अभी वो होप वापस से खत्म होती हुई दिख रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अदर स्टेट की वैकेंसी के लिए कोशिश करो, यही बेस्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स लाइव एंड करने के बाद हम आ गए हैं अपनी स्टडी करने के लिए, और अभी हम पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन गलत होने के चांसेज उतने कम रहते हैं, और पॉलिटी से 10 से 11 क्वेश्चन ही रहेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तब भी। लेकिन वो 10 से 11 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जीएस में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बस वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रिविज़न को दूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दूँ, ताकि जो शब्दों की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं वो ना हो। तो ऐसा रहा आज का मेरा दिन, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले स्टडी रूटीन के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।